कैथल के बाद अब पराली जलाने के मामले फतेहाबाद में भी बढ़ने लगे हैं, जिससे जिला प्रशासन को भी चिंता सताने लगी है। कैथल में तो प्रशासन ने इसके लिए नंबरदारों को जिम्मेदार ठहराया था, मगर फतेहाबाद प्रशासन ने इसके लिए ग्राम सचिवों को पहले तो नोटिस थमाए और फिर उन्हें चार्जशीट कर दिया, लेकिन ग्राम सचिवों ने तुरंत प्रशासन के फैसले को लेकर बगावत शुरू कर दी है और चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन ने चार्जशीट वापस नहीं ली तो वो चुनाव का कामकाज भी बंद कर देंगे, क्योंकि उनके पास पहले से ही काफी काम है। ऐसे में पराली के मामलों पर ध्यान दे पाना उनके लिए इतना आसान नहीं है। जलाने के मामले में ग्राम सचिवों को चार्जशीट किया गया है। उस मामले में हम DDPO साहब से मिलने के लिए आए थे। पिछले दिनों भी जिला प्रशासन द्वारा ग्राम सचिवों को नोटिस दिए गए थे पराली से संबंधित, जबकि हमारे पास ग्राम सचिव सिर्फ 49 हैं। लगभग 375 पंचायतों में एक एक ग्राम सचिव के पास एवरेज 5 से 6 पंचायतों का कार्यभार है। उसके अलावा जब ग्राम सचिव पराली का कार्य करेगा या चुनाव का कार्य करेगा, जो कि इतना महत्वपूर्ण कार्य है, एक भी ग्राम सचिव को 24 घंटे काम करना पड़ता है। रात को 11-11 बजे तक ग्राम सचिव काम में लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी जिला प्रशासन दबाव बना करके हरासमेंट कर रहा है कर्मचारियों की। हमने अपनी नाराज़गी व्यक्त की है, हमने जिला प्रशासन को अवगत कराया है। कल कुछ हमारे साथियों को सेक्शन 8 की चार्जशीटें दी गई हैं और DDPO साहब को हमने बताया कि अगर चार्जशीटें विड्रा नहीं की गई 24 घंटे के अंदर तो पूरे ज़िले में कार्य बंद कर दिया जाएगा। जो चुनाव से संबंधित कार्य में ग्राम सचिव लगे हुए हैं उसकी जिम्मेवारी जिला प्रशासन की होगी, ये हमने एडवांस नोटिस दे दी। आज भी आपने काम का जो है ठप कर रखा है? नहीं, अभी कामकाज ठप करने का हमने अभी तक नोटिस दिया है। 24 घंटे का समय हमने जिला प्रशासन को दिया है। अगर जिला प्रशासन इस 24 घंटे में जो नोटिस दिए गए हैं पराली से संबंधित तो जो चार्जशीट दी गई है वो वापस नहीं लेता तो हम मजबूरन हमें अपना निर्णय लेना होगा। बता दें, फतेहाबाद में अब तक 745 पराली जलाने के मामले सामने आ चुके हैं। इस दौरान 261 किसानों से विभाग ने 6,60,000 रुपए भी वसूल किए हैं, मगर अब ग्राम सचिवों को नोटिस थमाना और उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करना प्रशासन के लिए मुसीबत का सबब बन चुका है, क्योंकि ग्राम सचिव इस वक्त चुनाव का काम संभाल रहे हैं। ऐसे में उन्होंने अगर काम बंद कर दिया तो जाहिर है प्रशासन के लिए काम संभालना मुश्किल साबित होगा। अब देखना होगा कि 24 घंटे में जिला प्रशासन क्या फैसला लेता है। फतेहाबाद से रमेश कुमार, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।